हाँ तो नमस्कार प्यारे दोस्तों, डीजे सर क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे राजस्थान के इतिहास की। राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत पढ़ रहे थे बीकानेर का इतिहास, और बीकानेर के इतिहास के अंतर्गत था। देखिए आज जो पढ़ने वाले हैं, कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? कल्याणमल तक पढ़ लिया था। कहाँ तक पढ़ लिया था भाई? कल्याणमल तक पढ़ लिया था। कल्याणमल के बाद कहा जाता है कि कल्याणमल के दो पुत्र होते हैं। कितने पुत्र? बीकानेर का इतिहास पढ़ रहे हैं भाई। बीकानेर 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 पढ़ रहे हैं। बीकानेर का वंश है राठौड़ वंश। कौन सा वंश भाई? राठौड़। राठौड़ वंश की बात करें तो हम बार जो बात की थी कल्याण बात की थी, कल्याण मल की बात की थी, और कल्याण मल के दो पुत्र होते हैं। कितने पुत्र होते हैं भाई? दो पुत्र होते हैं। पुत्र की बात करें कितने पुत्र होते हैं? एक तो रायसिंह। कौन भाई? रायसिंह। और एक जो होता है पृथ्वीराज। क्या है? पृथ्वी राज। ठीक है, पृथ्वीराज राठौड़ बात कर रहे हैं हम। राज राठौड़ की बात कर रहे हैं प्यारे दोस्तों। अब कहा जाता है कि ये जो तो कल्याणमल है, ठीक है प्यारे दोस्तों, कल्याणमल है अपने बेटे दोनों बेटों को कहां भेज देता है? ये मुगल सेवा में भेज देता है। कहां भेज देता है? मुगल सेवा में भेजता है। कहाँ भेज देता है? मुगल सेवा में भेज देता है। और ये तो इसको तो राजा बन जाता है। ये तो कहाँ का? बीकानेर का शासक बन। कहाँ का प्यार दोस्तों? बीकानेर का शासक बनता है ये तो। बीकानेर का क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। क्या बन जाता है प्यार दोस्तों? ये तो शासक बन जाता है। और ये चल जाता है कहाँ पर? अकबर की सेवा। कहाँ पर चल जाता है? अकबर की सेवा पर, सेवा में। ये विशेष रूप से कहा जाता है कि दोनों को भेजा जाता है, लेकिन कहा जाता है कि तो राजा घोषित कर दिया जाता है। खुद तो क्या बना दिया जाता है? उत्तराधिकारी बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? उत्तराधिकारी। इसके बाद कल्याणमल के बाद जो शासक बनता है प्यारे दोस्तों, वो रायसिंह बनता है। कौन बनता है? रायसिंह शासक बनता है। और थोड़ी सी हम पृथ्वीराज राठौड़ की चर्चा करें। पृथ्वीराज राठौड़, थोड़ा सा हम पृथ्वीराज की ओर थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। पृथ्वीराज की बात करें प्यारे दोस्तों, का पुत्र है, का कौन है? कल्याणमल कौन है भाई? कल्याणमल इसके पिता है। और कल्याणमल पिता होने की बात करें, यहाँ पर क्या प्यारे साथियों, यहाँ पर सिचुएशन है, कल्याणमल इसके पृथ्वीराज के पिता थे और पृथ्वीराज के पिता थे, तो कहा जाता है अकबर की सेवा में चला जाता है। यहाँ पर अकबर की सेवा में चला जाता है। अकबर की सेवा में उपस्थित होता है। कहाँ होता है भाई? अकबर की सेवा। इसके पश्चात हम बात करें प्यारे दोस्तों, इसके कहा जाता है कि अकबर इसे अपना, ये क्या हुआ करता था? एक कवि हुआ, लेखक था। क्या था ये? लेखक था। और लेखक होने के बाद कहा जाता है अकबर के दरबार में रहा। कहाँ रहा करता था भाई? अकबर के दरबार में रहा करता था। इसके जन्म की बात करें तो कहा जाता है कि इसका 1549 में इसका जन्म होता है। कब होता है भाई? 1549 में इसका जन्म हो जाता है। जन्म की बात करें, जन्म का जन्म है 1549 में हो जाता है। कब हो जाता है भाई? 1549 ईस्वी का जन्म हो जाता है, 1549 ईस्वी। अब बात करें तो कहा जाता है प्यारे दोस्तों, इसके उपनाम की बात करें। किसकी बात करें? उपनाम। उपनाम इसे डिंगल का हेरोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिंगल डिंगल का हेरोस कहा जाता है। डिंगल डिंगल का हेरोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेरोस कहा जाता है। यहाँ पर डिंगल क्या है? डिंगल का मतलब डिंगल जो है, डिंगल भाषा है। क्या है? डिंगल भाषा
भाषा है, अर्थात एक प्रकार की भाषा हुआ करती थी, एक पिंगल और एक डिंगल। और डिंगल की बात करें तो ये हुआ करती थी, ये पश्चिमी राजस्थान की भाषा, ये पश्चिमी राजस्थान की भाषा हुआ करती थी। और जबकि पूर्वी राजस्थान की जो भाषा हुआ करती थी, पूर्वी राजस्थान की भाषा हुआ करती थी, कहाँ बोली जाती थी भाई? पूर्वी राजस्थान में पिंगल बोली जाती थी, ये डिंगल था। और अपने आप को कहा जाता है कि ये क्या कहता था, अपने आप को पीतल कहता था। क्या कहता था? नाम की बात करें तो इसको पीतल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता था? पीतल के नाम से ये रचना लिखता था। क्या नाम से रचना लिखता था? पीतल के नाम से रचनाएं लिखता था। और पीतल की बात करें, आपको पता है प्यार दोस्तों, पीतल की बात करें, किस पीतल की बात करें, पीतल के नाम की बात करें प्यारे साथियों, क्या कंडीशन है? पीतल के नाम से, पाथल और पीतल के नाम से, किसकी? पाथल और पीतल के नाम से, पाथल और पीतल के नाम से जो रचनाएं हैं, पाथल और पीतल के नाम से जो रचना है, ये रचना मानी जाती है प्यारे दोस्त कन्हैया लाल सेठ की। कन्हैया कन्हैया लाल सेठिया की रचना है, ये है कन्हैया लाल सेठिया की रचना मानी जाती है। कन्हैयालाल सेठिया की रचना है, की रचना है कन्हैयालाल सेठिया की रचना है पातल और पीतल। ये कहा जाता है कि प्रताप को पातल और पीतल के नाम से कुछ सोटे लिखकर भेजता है, यानी कूट भाषा में भेजता है, प्रताप को भेजता है। जब प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार करने का मानस बना लेता है, तो ऐसा माना जाता है कि पातल और पीतल के नाम से क्या सोटे लिखकर भेजता है? कौन? पृथ्वीराज राठौर। उसी को भाषा भाषाई रूप देने का कार्य करता है कौन? कन्हैयालाल सेठिया। जो किसकी मानी जाती है? ये कन्हैयालाल सेठिया। इसी के द्वारा की रचना थी, की रचना की बात करें, की रचना की बात करें प्यारे दोस्तों, ने वेली कृष्ण रुक्मणी दी। कौन सी रचना? वेली वेली कृष्ण कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ की रचना की। इसकी क्या की? रचना की। इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसके दरबार में दुर्सा आड़ा, क्या दुर्सा आड़ा रहा करते थे। दुर्सा आड़ा की बात करें, दुर्सा दुर्सा आड़ा रहा करते थे अकबर के दरबार में। अकबर तो पढ़ा लिखा था नहीं, अकबर ने इसी रचना को लिखने के पश्चात राजा जी के पास, सॉरी पृथ्वीराज ने अपनी रचना को राजा के पास यानी अकबर के पास पेश किया कि भाई ये रचना है और इसको पढ़िए और पढ़ के बताइए कैसी लगी। तो अकबर तो पढ़ा लिखा था नहीं, और अकबर पढ़ा लिखा ना नहीं था तो इसने साहड़ा को बुलाया। और ये दूसरा विद्वान था भाई, इसके दरबार में रहा करता था। और साहड़ा ने कहा जाता है कि इस किताब को पढ़ा, पढ़ने के बाद क्या कहा इसको, तो पढ़ने के बाद इसको वेली कृष्ण रुक्मणी को क्या कहा? पांचवा वेद। क्या कहा? पांचवा वेद। क्या कहा? पांचवा वेद कहा। और 19वां पुराण, पुराणों की संख्या पैर दोस्तों आ रहा है, वेदों की क्या पुराण कहा। क्या कहा? इतनी महत्वपूर्ण किताब है, इसको पांचवा वेद कह दिया कवि दुर्सा आड़ा ने। और 19वां पुराण भी इसके द्वारा, वेदों की संख्या आपकी कितनी मानी जाती है? 18 वेदों की, सॉरी पुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? 18 पुराणों की संख्या मानी जाती है। और इसे 19वां पुराण की संख्या दी और पांचवा वेद की संख्या द्वारा कवि दुर्सा आड़ा के द्वारा दी। अब बात करें तो कर्नल टोड की बात कर रहे हैं। कर्नल टोड ने यह पुस्तक पढ़ी, कर्नल टोड ने यह पुस्तक पढ़ने के पश्चात इस पुस्तक को 10,000 घोड़ों के समान, 10,000 घोड़ों के या सहस्त्र घोड़ों के बल वाली पुस्तक की, 10,000 घोड़ों के बल वाली पुस्तक कहा, बल वाली पुस्तक कहा। क्या कहा? या सहस्त्र घोड़ों के बल वाली पुस्तक कहा। क्या कहें इसी को? क्या कहा? सहस्त्र सहस्त्र घोड़ों के बल वाली, बल वाली पुस्तक कहा इसको कर्नल टोड ने कहा भाई, कर्नल टोड ने इसे सहस्त्र घोड़ों वाली पुस्तक कहकर संबोधित किया, याद रखिएगा। और बात करें, कहा जाता है कि इसे क्या कहा जाता है कि सहस्त्र घोड़ों वाले पुस्तक कहा जाता है। एलपी टेशियटोरी ने इसको को डिंगल का हेरोस कहा। एलपी टेशियटोरी ने एलपी टेशियटोरी ने
पृथ्वीराज को, किसको प्यारे दोस्तों, पृथ्वीराज को क्या कहा, डिंगल का, डिंगल का हेरोस कहा, क्या कहा, हेरोस कहा, डिंगल का हेरोस कहा। जिस प्रकार से इटली में ये हेरोस हुआ है, इटली में एक इतिहासकार हुआ है हेरोस नामक, जो बहुत विद्वान माना जाता है प्यारे दोस्तों, समान इसको बताया है, और उसी के समान किसको बताया भाई, पृथ्वीराज राठौड़ को बताया है। और ये कहां पर घटित, तो किसको, पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। और बात करें मेरे दोस्तों, कहा जाता है कि वेली कृष्ण रुक्मिणी की रचना इसी के द्वारा की गई है, और इसी को अकबर ने, किसने प्यारे दोस्तों, पृथ्वीराज राठौड़ को, की बात कर रहे हैं हम, पृथ्वी राज राठौड़ को अकबर ने, ने अकबर ने, अकबर ने गागरोन की जागीर दी। कौन सी जागीर दी, गागरोन, गागरोन की जागीर दी थी। कौन सी जागीर दी थी भाई, गागरोन की जागीर की 1580 में, कब दी थी भाई, 1580 को गागरोन की जागीर देने का काम किया था, किसके द्वारा, पृथ्वीराज राठौड़ के। ये बढ़िया मंट लगाकर रहा करता था, अपने मूंछों के बंट लगाकर रहा करता था, और पृथ्वीराज राठौड़ जो अकबर के दरबार में रहा करता था, अकबर के सामने कभी नहीं झुकता था। ये कहता था कि राणा प्रताप के अगर सवाल आ जाता राणा प्रताप का, तो ये कहा जाता है कि राणा प्रताप की जो भतीजी थी, उसका विवाह इसके साथ हुआ करता, साथ हुआ था भाई, पृथ्वीराज राठौड़ के साथ हुआ था, और इसके भाई भक्त की मानी जाती है ये, कौन, इसकी किरण देवी का विवाह किसके साथ हुआ था, किरण देवी। एक बार कहा जाता है कि किरण देवी, इसने अकबर ने कहां पर, कहा जाता है मीना बाजार लगाया था, मीना बाजार लगाने के पश्चात इस मीना बाजार में पुरुषों का जाना निषेध था। निषेध मतलब प्यारे दोस्तों क्या कंडीशन थी, अर्थात पुरुष इसमें उपस्थित नहीं हो सकते थे, और पुरुष चला जाता था तो उसको डायरेक्ट मृत्यु दंड या फांसी की सजा दी जाती। इसी राज दरबार में कहा जाता है एक बार अकबर स्त्री के भेष में चला जाता है, के भेष में चला जाता है, और कहा जाता है नई नई लड़कियों को देखकर कहा जाता है उनसे शादी रचाया करता था, ये स्त्री के भेष में छुप कर जाया करता था। और एक दिन अकबर को कौन, ये किरण देवी पहचान लेती, वहां पर देखती है, और देखने के पश्चात अपनी कटार निकालकर अकबर के गर्दन पे लगा देती, कौन, किरण देवी। और किरण देवी के कहा जाता है ये पांव पड़ जाता है, कौन, अकबर, किरण देवी के पांव पड़ जाता है कि देवी मेरे से गलती होगी, माफ कर दे, आज के बाद इस तरह इस हाट में या इस मेले में जो मीना बाजार है उसमें कभी आऊंगा ही नहीं। कहा जाता है कि वहां पर किरण देवी के द्वारा इसको अकबर को जीवन दान दिया जाता है, राजपूती रांगना थी प्यार जो अकबर को जीवन दान देती है, जो राज राठौड़ नहीं मानी जाती है। कहा जाता है यहाँ पर क्या कंडीशन, प्रकार से अकबर बाद में इस बाजार को ही बंद करवाता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो ये मीना बाजार में की बात होगी, इसकी बात होगी। चलिए बाद में कहा जाता है कि इसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु कहाँ पर, आगरा में, इसकी आगरा में कहाँ पर होती है, आगरा में इसकी मृत्यु हो जाती है प्यारे दोस्तों, कहाँ पर होती है, आगरा में इसकी जाती है, आगरा में मृत्यु राज राठौड़ की। और शांत घाट जिसे कहा जाता है, कौन सी, शांत घाट पे, शांत घाट, शांत घाट पर, कहाँ पर होती है, शांत घाट पर चलिएगा। तो उसके बाद कल्याणमल के बाद जो कौन शासक बनता है प्यारे दोस्तों, उसके बाद कल्याणमल के बाद राय सिंह शासक बनता है, राय शासक बनता है भाई कनेर का, राय सिंह। अब राय सिंह की बात करें तो कहा जाता है कि राय सिंह जो शासक बनता है प्यारे दोस्तों 1574 और 1574 लेकर 1612 तक शासक रहता है। 1574 की बात करें, 1512 ईस्वी शासक रहता, कहाँ तक शासक रहता है, 1612 ईस्वी शासन करता है, कौन, राय सिंह। राय सिंह की बात करें मेरे दोस्तों, क्या क्या कंडीशन है राय सिंह के दरबार में या राय सिंह समय पर। राय सिंह को कहा जाता है कि महाराजा राज महाराजा की उपाधि दी जाती है, तो राय सिंह को, राय सिंह को महाराजा की उपाधि दी गई, कि महाराजा उपाधि दी गई। अर्थात इससे पहले तो ये सारे क्या लगाया करते थे, राजा, ये राठौड़ लगाया या राव लगाया करते थे, राव राय सिंह या राव लगाया करते थे। और कहा जाता है इसके बाद से, यहाँ
यहाँ के शासक, मारवाड़ के शासक क्या लगाएंगे पैर दोस्तों? महाराजा लगाएंगे, और महाराजा की उपाधि दी गई थी। इसके द्वारा कहा जाता है कि अकबर ने इसे राय की उपाधि दी थी और 4,000 का मनसब दिया था। किसकी बात करें? अकबर ने, अकबर ने, अकबर ने इसे राय की उपाधि दी, राय की उपाधि दी और 4,000 का मनसब दिया। कितने हजार का? 4,000 का मनसब दिया। मनसब एक पद होता है प्यारे दोस्तों, पद के समान ही मान लीजिए। मनसब, मनसब दिया, कितने का मनसब दिया भाई? 4,000 का मनसब दिया। किसके द्वारा दिया जाता है? ये अकबर के द्वारा दिया जाता है। दक्षिण अभियान पर इसको भेजा जाता है। दक्षिण अभियान से खुश होकर कहा जाता है कि दक्षिण अभियान पर भेजा जाता है, दक्षिण अभियान पर जाता है ये। और दक्षिण अभियान पर कहा जाता है कि एक पेड़ को देखता है, फोग, फोग पेड़ को देखता है, फोग पेड़ झाड़ी नुमा होता है उस तरीके का। और कहा जाता है राइसिंग उस पेड़ को देख कर कि ये तो मेरे मरुस्थल में पाया जाता है, बीकानेर में पाया जाता है, और यहाँ पर कैसे? तो कहा जाता है वहीं पर एक दोहे की रचना कर देता है। इसमें इतनी विद्वत्ता थी, अर्थात रचना करने की इतनी विद्वत्ता थी प्यारे दोस्तों, कि चलता चलता कोई भी चीज बुलाना हो या लिखाना हो रचना कर दिया करता था। इतना विद्वान व्यक्ति था रायसिंह। और रायसिंह के बारे में कहा जाता है, इसकी दो रचना लिखी जाती प्यारे दोस्तों कई सारी। और बात करें तो कहा जाता है कि इसके द्वारा रचना की गई तो कौन सा एक दोहा लिखा जाता है कि तू स्वदेशी रोकड़ा मैं परदेशी लोग, माने अकबर ताड़ियो तू क्यों आया फोग। अर्थात एक पेड़ को, छोटे से पेड़ को देखता है, और देखने के पश्चात क्या करता है प्यारे दोस्तों? रचना करता है। क्या करता है कि तू स्वदेशी रूकड़ा माँ परदेशी लोग, तू मेरे देश का है। तू स्वदेशी रूकड़ा माँ परदेशी लोग, माने अकबर तेड़ियो क्यों आया फोग। अर्थात मेरे को तो अकबर ने भेजा है यहाँ, लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है? तू तो मेरे रबस्थल में पाया जाता है, तू हाँ क्या कर रहा है? फोग के पेड़ को देखकर, फोग उस जमाने में भी चलता था, आज ही नहीं चलता भाई फोग, उस जमाने में भी फोग चला करता था। ये पहले ही वाला फोग है जो आज तो इसको रिपीट किया जा रहा है, ठीक है मेरे दोस्तों। एक फोग को देखकर ये रचना करता है। कौन करता है? रायसिंह। जब दक्षिण अभियान पर जाता है उसी दौरान के द्वारा एक दोहा रचा जाता है, वहां पर दे स्वदेशी रूकड़ा वहां पर देसी लोग, माने अकबर ताड़ियो तू क्यों आया फोग। ऐसी रचना के द्वारा की जाती है, रायसिंह के द्वारा की जाती है। चलेगा। इसके बाद बात करें तो रायसिंह, जब अकबर के द्वारा रायसिंह को कहा जाता है कि मारवाड़ का संरक्षक भी क्या किया जाता है, मारवाड़ के संरक्षक कहा जाता है कि मारवाड़ के अकबर ने जोधपुर का शासक रायसिंह को किया और काबुल। चलिए 1572 से लेकर 1574 तक, कब तक प्यारे दोस्तों? 1574 तक अकबर ने, अकबर ने रायसिंह को, किसको प्यारे दोस्तों? रायसिंह को क्या जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था? जोधपुर, जोधपुर का शासक नियुक्त किया, शासक नियुक्त किया। क्यों किया था? क्योंकि इस समय रावचंद्र सेन हुआ करता था, रावचंद्र सेन लग रहा था इस समय। कहा जाता है जोधपुर का शासक नियुक्त किया, नियुक्त किया। रायसिंह को कहा जाता है कि अकबर के द्वारा जोधपुर का शासक नियुक्त किया गया था कुछ समय के लिए। और इसके पश्चात बात करें प्यारे दोस्तों, तो लाहौर अभियान पर भी भेजा, रायसिंह को लाहौर अभियान पर भेजा गया, काबुल अभियान पर भेजा गया था। और जहां पर कहा जाता है कि सफलतापूर्वक है, इससे अकबर काफी प्रभावित है, सभी प्रभाव इन सभी प्रकार की कहा जाता है कि सभी प्रकार से प्रभावित हो जाता है कि इसे 4,000 का मनसब दिया जाता है। तो रायसिंह को काबुल व लाहौर अभियान पर भी भेजा गया। काबुल व लाहौर अभियान पर भी किया गया, अर्थात यहाँ का प्रशासक भी किया गया था इसको। तो भाई और देखते हैं, चलेगा। अब बात करते हैं निर्माण कार्य की, बात कर लेते हैं निर्माण कार्य की। बात करें तो कहा जाता है जूनागढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? इसका निर्माण करवाया जाता है अपने रायसिंह, रायसिंह के द्वारा करवाया जाता है।
द्वारा करवाया जाता है भाई? राय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया, राय द्वारा जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है। और कहाँ पर प्यारे दोस्तों? बीकानेर में। कहाँ करवाया जाता है भाई? बीकानेर में करवाया जाता, बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है। सूरज पुल पर आपको पता है जमल और पत्ते इसके सूरज पोल पर कौन से? सूरज पोल पर किस, प्यारे दोस्तों सूरज पोल पर किस, जमल और पत्ता की, किस जमल और पत्ता की, जमल और पत्ता की क्या लगी हुई है? प्रतिमाएं लगी हुई है, गुड़स ये प्रतिमाएं लगी हुई है, क्या लगी हुई है? प्रतिमा लगी हुई है, कौन सी लगी हुई है प्यारे दोस्तों? कहा जाता है गजारूढ़, गजारूढ़ प्रतिमाएं लगी हुई, लगी हुई गजारूढ़, गजारूढ़ प्रतिमाएं लगी हुई है। गजारूढ़ की बात करें तो अर्थात हाथी पर सवार प्रतिमा कालांतर में कहा जाता है। पर आगे चलकर औरंगजेब टुड़वा भी देता है, लेकिन बाद में इसका निर्माण करवा देता है। अकबर इससे प्रभावित होकर इसके चित्तौड़गढ़ के आक्रमण के दौरान कहा जाता है 1500 जो लड़ा गया था, 1500 का जो 1567 का जो आक्रमण हुआ चित्तौड़ का, उस समय कहा जाता है शाखा माना जाता है, उसी समय कहा जाता है जमल और पत्ता वीर गति से प्राप्त तो होते हैं और इनसे वीरता से प्रभावित तो होकर अकबर कहा जाता है जमल और पत्ता की वीरता को देखते हुए गजारूढ़ पत्ता बिका पोल के आगे का निर्माण करवाते हैं। विशेष रूप से जूनागढ़ दुर्ग के आगे लगी हुई है, इसे रातीघाटी का दुर्ग भी कहा जाता है, इसे लालगढ़ भी कहा जाता है, इसमें कई सारे कंगूरे वाला दुर्ग भी कहा जाता है, लाल मणियों के कारण लालगढ़ कहा जाता है, लाल पत्थर से बना होने के कारण ये जूनागढ़ देख। ठीक है, रायसिंह ने रायसिंह महोत्सव प्रारंभ किया था भाई। कनेर के पुराने दुर्ग को बीकाजी की टेकड़ी कहा जाता था, याद रखना काने के पुराने दुर्ग को का नेर के पुराने दुर्ग को बीकाजी की टेकड़ी कहा जाता था, बीकाजी की टेकड़ी टेकड़ी कहा जाता था। काजी की टेकड़ी कहकर था तो उसके ऊपर और निर्माण कार्य का कार्य कौन करता है भाई? ये राइसिंग करता है, यहाँ पर दुर्ग के नाम से दुर्ग बनवा। चलिएगा नेक्स्ट बात करें तो इसके द्वारा कर्मचंद्र वसो कीर्तम के द्वारा, किसके द्वारा पैर दोस्तों? के दरबार में एक राइसिंग, राइसिंग को कहा जाता है कर्मचंद्र वसो कीर्तन में राजेंद्र कहकर संबोधित किया गया। राय सिंह को रचना, कौन सी रचना भाई? कर्मचंद असुर कम तोर कीर्तन में राजेंद्र कहा गया है, राजेंद्र कहा इस रचना में किसको? चंद्र कर्मचंद्र वसोर कीर्तन, वसोर कीर्तन, वसोर कीर्तन रचना में क्या कहा गया है? इसे राजेंद्र की उपाधि दी गई है पैर, याद रखना। चलेगा नेक्स्ट बात करते हैं। और बात करें मुगल साम्राज्य के बारे में तो मुगल का कहा जाता है कि इसे क्या कहा जाता है? मुगल साम्राज्य का क्या कहा जाता था? साम्राज्य का स्तंभ कहा जाता था जहांगीर के टाइम पर, जहांगीर के टाइम पर राय सिंह को, राय मुगल साम्राज्य का, मुगल मुगल साम्राज्य साम्राज्य का स्तंभ कहा जाता है, स्तंभ कहा गया। जहांगीर के टाइम पर इसको क्या कहा जाता था? मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहा जाता था। जिस प्रकार से मानसिंह का वर्चस्व अकबर के समय हुआ करता था, जहांगीर के टाइम पर इसका वर्चस्व
इतना ही हुआ करता, ये जहांगीर का विश्वास पात्र हुआ करता, ये जहांगीर का किसका, जहांगीर का विश्वास पात्र हुआ करता, जहांगीर का विश्वास पात्र का क्या हुआ करता था, विश्वास पात्र हुआ करता, विश्वास पात्र था, विश्वास पात्र था। और कहा जाता है जहांगीर ने, तो अकबर ने कहा जाता है, अकबर ने अपने अंतिम समय, अकबर ने अपने अंतिम समय पर सबसे पहले जो बुलाने का काम किया था, जब मृत्यु सैया पर अकबर पड़ा हुआ था, कहा जाता है कि गया था, ऐसा भी मानता है, क्योंकि सर्वाधिक विश्वास करते थे जहांगीर ने, गया था सब याद कहा जाता है। मुंशी देवी प्रसाद ने इसे किसको, मुंशी देवी प्रसाद एक राइटर हुए हैं, मुंशी देवी प्रसाद, देवी प्रसाद ने रायसिंह को राजपुताने का कर्ण कहा, मुंशी देवी प्रसाद ने रायसिंह को राजपुताने का कर्ण कहा, राजपुताने का कर्ण कहा, क्या कहा, राजपुताने का कर्ण कहा, कहा भी रायसिंह राजपुताने का कर्ण कहा, ने कहा देवी प्रसाद ने आज रायसिंह को क्या, अर्थात दानी था, ये इतना दान किया करता था, दान करने के पश्चात कहा जाता है कि इसे राजपुताने का कर्ण कहा, यहाँ की कुछ रानियां या राजकुमार यहाँ थी, कहा जाता है कि दान देती अपने इनका विरह की यशोगाथा किया करती थी, है कि इस राजा मान ने इतना दान दे दिया तो अब दान देगा, छोड हुआ करती दान देने की, कहा जाता है कर्ण कहकर सूचित किया किसने, मुंशी देवी प्रसाद। फिर दोस्तों साथ में इसको रायसिंह मृत्यु की बात करें, ये दक्षिण अभियान पर रायसिंह जब जाता है, फिर दोस्तों रायसिंह की मृत्यु बुरहानपुर में हो जाती है, कहाँ पर हो जाती, रायसिंह जो मृत्यु है, रायसिंह की बात करें, रायसिंह की कहा जाता है कि महाराष्ट्र में हो, बुरहानपुर में, महाराष्ट्र में कहाँ पर, बुरहानपुर, कहाँ पर, बुरहानपुर, और बुरहानपुर कहाँ, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में हो दोस्तों, महाराष्ट्र में, ये याद रखना, रायसिंह कहाँ हो जाती है भाई, बुरहानपुर महाराष्ट्र में, चलेगा बात करें, ये ध्यान रखना है। एक चीज और ध्यान रख लेना है भाई, रायसिंह की प्रशस्ति किसकी, रायसिंह प्रशस्ति कहां पर लगी हुई है, जूनागढ़ दुर्ग में, कहां पर लगी हुई है, जूनागढ़ दुर्ग में कहां लगी हुई है भाई, जूनागढ़ दुर्ग में रायसिंह की, याद रखना, जूनागढ़ दुर्ग में, रायसिंह की प्रशस्ति कहां पर लगी हुई है भाई, जूनागढ़ दुर्ग में लगी हुई है, ये रखना है आप दोस्तों। तो ये था आपका रायसिंह, और रायसिंह के बारे में सारी चीजें हमने देख ली, एक चीज प्रकार से रायसिंह आया, किस प्रकार से रायसिंह का काल चला, कहां कहां किस प्रकार से रहा है, चलेगा भाई नेक्स्ट बात करते हैं। उसके बाद जो शासक बनता है वो बनता है शूर, शूर बनता है भाई, पास शूर क्या इसका, पास 1300 से 1600 टाइम पे, इसके बारे में कहा जाता है कि ये ऐसा शासक माना जाता है, ससुर ने अपनी पुत्रियों का विवाह घाटियों के साथ नहीं करने की कसम खाई, अपनी पुत्रियों का विवाह साथ नहीं, इनके द्वारा ऐसी कसम खाई थी। और कहा जाता है कि जहांगीर ने राजा की उपाधि दी, जहांगीर को राजा की उपाधि दी, राजा की उपाधि दी थी, राजा की उपाधि दी थी, कैपिटल दी थी,
उपाधि दी थी, उपाधि के द्वारा दी गई, जहांगीर द्वारा, जहांगीर ने दी थी, जहांगीर ने राजा की उपाधि दी थी। राजा की उपाधि देने के पश्चात राजा रायसिंह को सूर कहलाने लगा। खुर्रम ने सूरसिंह को उच्च कुल के राजाओं में सर्वश्रेष्ठ बताया था, खुर्रम ने को के राजाओं में सर्वश्रेष्ठ बताया था। एक तो राजा की उपाधि दी थी, एक ने सूरसिंह ने सूर सिंह ने अपनी पुत्रियों का विवाह अपनी पुत्रियों का विवाह घाटियों से नहीं करने की कसम खाई थी, से नहीं करने का करने की कसम खाई थी, कसम ली। ठीक है दोस्तों, और उसके पश्चात बात करें राजा की उपाधि जो दी थी इसको और क्या चर्चाएं थी। कहा जाता है खुर्रम ने इसे सर्वश्रेष्ठ राजा बताया था, खुर्रम ने, खुर्रम ने सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ राजाओं में से एक बताया था। ठीक है, खुर्रम ने सर्वश्रेष्ठ राजा बताया। पश्चात देखिए बात करते हैं कि विशेष चार बातें हैं। उसके बाद होता है कर्ण सिंह, कर्ण सिंह को उसके बाद कौन बनता है भाई, कर्ण शासक बनता है, कर्ण सिंह शासक बन जाता है। पर दोस्तों 1031 से लेकर कहा जाता है उत्तर तक ये शासन करता है, यहाँ से 1071 तक, 1021 लेकर 1071 तक शासन कौन करता है भाई, यहाँ पर कर्ण सिंह करता है। लेकिन बातें इसकी ठीक के समय कहा जाता है कि मत्ते की राड़ होती है वो 1644 में, 1644 में क्या हुई है, मतीरे की राड़, क्या होती है टाइम पर मतीरे, क्या हुई मतीरे की राड़, मतीरे राड़ के बीच हुई है। मतीरे की राड़ की बात करें, मतीरे की राड़ किस के बीच, यहाँ पर कनेर का तो कर्ण सिंह था, कहाँ का कनेर का, बीकानेर का कर्ण सिंह, बीकानेर का कौन था भाई कर्ण सिंह, कर्ण सिंह। और उधर नागौर का कौन था, यहाँ पर नागौर का शासक कौन था, नागौर का था अमर सिंह, हाँ अमर सिंह। क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों, तलवार का धनी कहा जाता है। दोनों के युद्ध युद्ध हुआ था मतीरे की राड़, कहते हैं अमर सिंह विजय हुआ है कुछ कहा जाता है। ये जोधपुर और नागौर की, सॉरी कनेर और नागौर की सीमा में एक ने मतीरा लगाया था और मतीरा की बेल धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई, इसमें मतीरा यहाँ जाकर आने लग गया सीमा के बाद। और कहा जाता है इसी के चलते हुए यहाँ पर दोनों के बीच में क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। अर्थात मतीरे की, मतीरा जो होता है पैर दोस्तों, मतीरा की बेल होती है, अर्थात कनेर वाले ने लगाया। और कहा जाता है कि कहाँ पर ओझनिया गाँव की जाती है, और कहा जाता है कि वहाँ पर एक किसान ने मतीरा लगाया अपने खेत, और किसान ने अपने खेत में तो तरफ लगाया था, लेकिन इसके बेल थी वो धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती नागर वाले क्षेत्र में चली गई। तो नागर वाला तो कह रहा है कि मेरा है मतीरा, और बीकानेर वाला कह रहा है कि मेरा है मतीरा। इस घटना को, इस बात को लेकर दोनों राजा में क्या हो जाएगी, राड़ हो जाती। राड़ का मतलब लड़ाई, क्या होता है इसका मतलब, लड़ाई या युद्ध हो जाता है पैर, क्या हो जाता है तो हो जाता है। इस घटना को लेकर किसान की बात को कहां पहुंचाया जाता है, राजा जी के पास पहुंचाया जाता है। राजा राजाओं में दोनों क्या हो जाता है, लड़ाई हो जाती है एक मतीरे को लेकर, मतलब वाटरमेलन, वाटरमेलन यानी तरबूज, ये कहा जाता है यहां पर तो तरबूज मानते हैं, हमारे गाँव में तो अलग तरबूजा होता है उसको मतीरा कहा जाता है। तो ये दोनों के बीच में मतीरे की राड़ कर्ण सिंह के टाइम पर हुई थी। इसके बाद जो शासक बनता है प्यारे दोस्तों, अनूप सिंह शासक बनता है। कौन बनता है, अनूप सिंह 1669 से लेकर 98 तक शासन करता है। कौन शासक बनता है प्यारे दोस्तों, अनूप सिंह, अनूप सिंह
कौन बनता है? अनूप सिंह शासक बनता है। और अनूप शासक बनता है प्यारे दोस्त 1769 से लेकर 1798 तक शासन करता है, 1698 तक शासन करता है अनूप सिंह। के बारे में कहा जाता है कि इसे औरंगजेब ने इन्हें माही भ्रातियों की उपाधि दी। क्या? औरंगजेब ने अनूप सिंह को, किसको प्यारे दोस्तों? औरंगजेब ने अनूप सिंह को माही भरातियों की उपाधि दी। क्या दी भाई? उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी? महाभारतीयों की उपाधि। ठीक है, महाभारतीयों की उपाधि दी जाती है किसके द्वारा? अनूप सिंह, सॉरी औरंगजेब के द्वारा। कहा जाता है कि ये उपाधि ये दक्षिण अभियान पर साथ गया था और दक्षिण अभियान काफी सफलता मिली थी और इस कारण इसे महाभारतीयों की मिलने के कारण क्या दी जाती है? महाभारतीयों की उपाधि दी जाती है। इसी की बात करें तो इसी की यहाँ पर बीकानेर की चित्रकला शैली का विकास, किसकी? बीकानेर चित्रकला शैली का विकास इसी के समय बीकानेर चित्रकला शैली का विकास इसी के समय प्रारंभ हुआ। और इसके काल को कहा जाता है, अनूप सिंह के काल को क्या माना जाता है? इसका स्वर्ण काल भी माना जाता है। क्या माना जाता है? स्वर्ण काल माना जाता है। बीकानेर की चित्रकला शैली का स्वर्ण काल अनूप सिंह के शासन काल है, बीकानेर चित्रकला के स्वर्ण काल कहा जाता है। कहा जाता है कि इसी के औरंगजेब ने जब संगीत पर प्रबंध लगाया था तो तब शाहजहां ने कहा गया था संगीतकार भावभट्ट अनूप सिंह के दरबार में चले गए थे। कौन प्यारे दोस्तों? जो औरंगजेब के द्वारा संगीत लगा दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था। और प्रतिबंध लगाने के पश्चात कहा जाता है कि ऐसी मान्यता है कि औरंगजेब के दरबार के सामने से कई सारे संगीतकार अपने अपने जो बजाने के होते हैं, यानी कि क्या कहें उनको, अपने अपने जो ऑर्नामेंट्स होते हैं या कहें अपने अपने जो भी बजाने के सामान थे उनके ढोलक पेटियाँ वगैरह 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 उपकरण थे, कहा जाता है वहाँ से लेकर रोते रोते सामने से जब राज महल से गुजरे थे, ऐसी मान्यता है प्यारे दोस्तों। तो वही कहीं ना कहीं से औरंगजेब के मरी हुई आत्मा जग जाए और लोगों के लिए वो कुछ न कुछ कार्य कर दे, कहा जाता है प्यारे दोस्त सारे के सारे जो उपकरण थे उनको लेकर ये गुजरे थे, रोते हुए निकले थे। पता है औरंगजेब जब है इनको पता है कि संगीत को इतना गहरा दफनाना जो ये वापस न निकल पाए, इनके खिलाफ और प्रति आई, अर्थात क्या कहें इनके खिलाफ क्या है कि भाई कहीं ना कहीं इसका दिल बहल जाए और संगीत वापस चालू कर दे। चालू तो नहीं किया तो उसके लिए और क्या कहता है, रोते इसका शोक तो मना रहे हो, इसको दफनाना जाने जा रहे हो तो इसको इतना गहरा दफनाना कि ये वापस कहा जाता है। देखने को मिलता है का औरंगजेब या औरंगजेब का। ठीक है, चलिए बात करें, औरंगजेब ने जब संगीत पर प्रतिबंध लगाया तो औरंगजेब के दरबार के कुछ विद्वान कहाँ गए थे? कहा जाता है औरंगजेब के प्रतिबंध लगाया तब शाहजहां ने संगीतकार भावभट्ट अनूप सिंह के दरबार में आए थे। क्या? तो कौन? तो कुछ संगीतकार संगीत
कार भाउभट 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 अनूप सिंह के, अनूप सिंह के दरबार में आए, कहाँ आए थे भाई? वहाँ पर कहा जाता है अनूप सिंह के दरबार में आए थे। कुछ जो संगीतकार थे वो अपने संगीत को बचाने के लिए कहा जाता है कि अन्य के दरबार में आ गए, कहा जाता है कि काशीली का विकास होता है। अनूप सिंह ने बीकानेर में, अनूप सिंह ने बीकानेर में का निर्माण करवाया भाई, 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर का निर्माण करवाया, देवी देवताओं के मंदिर का निर्माण करवाया। क्या 33 करोड़ देवी देवताओं की शाल तो मंडोर जोधपुर में है, लेकिन 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर की बात करें तो कहां पर है? बीकानेर में है। जो किसके द्वारा बनाया गया भाई? बीकानेर के शासक अनूप सिंह के द्वारा बनाया जाता है। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहां पर है? बीकानेर में है। चलिए आगे बात करते हैं फिर दोस्तों। के बाद बात करें तो कहा जाता है कि यहाँ पर जो शासक बनता है प्यारे दोस्तों, सूरत सिंह का कौन सा होता है? सूरत सूरत सिंह सूरत सिंह है प्यारे दोस्तों। इसके बीच में कई सारे छोटे शासक होते हैं, लेकिन जानकारियां विशेष और 1787 से लेकर 1828 तक शासक रहते सूरत सिंह, 1787 से लेकर 1828 है कहा जाता है प्यारे दोस्तों। क्या क्या कंडीशन सूरत सिंह बारे में नेक्स्ट क्लास में हम चर्चाएं करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं नेक्स्ट जोश और जुनून के साथ प्यारे दोस्त नेक्स्ट क्लास में। और कहा जाता है कि यहाँ पर कई सारे राजा और हैं प्यारे दोस्त, चर्चाएं करेंगे। दे रहे हैं डीजे और शेयर कर दी क्लास को अलग अलग आवश्यकता हो प्यारे। ठीक है, जय हिंद जय भारत।